नमस्कार साथियों, आज हम अच्छे अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे। भाई आपको पता है आजकल एक माहौल चल रहा है, जैसे जैसे सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है ना, शादी.com। जी हाँ साथियों, बहुत पढ़े लिखे युवा उस पे ज्यादा भागते हैं। घर परिवार समाज रिश्तेदार को छोड़ के शादी.com या सोशल मीडिया फेसबुक पे प्यार हो गया वगैरह वगैरह, ऐसी चीजों में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। लेकिन जी हाँ साथियों, इस पे एक और सबको पता है, ठग जो होते हैं ना, ठग उनको पता होता है कि इन चीजों में आराम से फंसा लेंगे मुर्गों को। और मैं बता दूं, पढ़े लिखे भी फंस जाते हैं। जी हाँ साथियों, ऐसा ही मामला है यार, बैंक की सीनियर मैनेजर महिला, जी हाँ, NRI बन के झूठी शादी का झांसा देके 5.5 लाख रुपए ठग लिए। छोटी बात नहीं होती यार, बैंक की सीनियर मैनेजर यानी पढ़ी लिखी औरत महिला बोल सकते हैं, उसको भी जब लोग ठग लेते हैं तो भाई आप जैसे आम आदमी जो इतना नहीं जानता, इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, उनको तो आराम से बेवकूफ बना के लाखों रुपए ठगे जा सकते हैं। जी हाँ, माजरा क्या है पूरा डिटेल से हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले, फेसबुक पेज वाले में पेज को फॉलो करके रखें ताकि गल्फ कंट्री से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत क्या है मामला बता देते हैं। शादी का झांसा देकर ठगी कीजिए साथी। आजकल पता है साइट होती है भाई, वेबसाइट आपको देख सकते हैं किसी भी साइट पे जाके, मैट्रिमोनियल। जी हाँ साथियों, ये साइट ऐसी साइटें हैं जिसमें शादी.com वगैरह वगैरह इस तरह की बहुत सारी साइटें होती हैं, जिसमें लव प्यार से यानी इस इन तरह की, तो बंदा उस पर ज्यादा सोच सर्च करता है, सर्च करता है तो फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट आना, बातचीत होना, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह। बैंक की महिला थी, उनसे शादी.com के थ्रू कॉन्टेक्ट हो गया शादी, तो उन्होंने क्या बताया कि भाई UK का मैं NRI हूँ, इंडिया में अच्छी लड़की के साथ शादी करना चाहता हूँ। काफी टाइम तक उनकी 4-6 महीने तक बात होती थी। फिर उसने क्या किया कि चलो आप शादी हमें करनी है लुधियाना में, उनको प्लॉट दिखाने के लिए मैं बता दूं उनका एड्रेस ले लिया कि मैं आपको कोरियर के द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट भेजूंगा। कोरियर के माध्यम से 5.5 लाख रुपए ठग लिया। अब ठगे कैसे, उनका एक तरीका देखिए, उनसे एड्रेस ले लिया कि भाई आप अपना एड्रेस दे दीजिए, मैं UK से डॉक्यूमेंट भेजूंगा, तो क्योंकि आप मेरे नाम से लुधियाना में आपको प्लॉट दे के प्लॉट लेना है ताकि शादी के बाद में हम वहीं पे रहेंगे। तो महिला एग्री हो गई, भाई चलो ठीक है डॉक्यूमेंट भेज दो। तो फिर थोड़े दिन बाद उनके पास एक कॉल आता है कि मैं कस्टम विभाग से अधिकारी बोल रहा हूँ, कस्टम अधिकारी आपके कोरियर आया है, उसका आपको शिपिंग चार्ज देना है 20,000 रुपये। जी हाँ, और 20,000 रुपये देने के बाद बातों में उलझा के थोड़े टाइम में, थोड़े में 5.5 लाख रुपए के करीब ठगी कर ली। महिला को पता लग गया, इतनी तो पढ़ी लिखी थी कि भाई ठगी तो हो चुकी है। 15 दिन तक फिर भी उसने रेगुलर उनसे बातचीत करके उनका पता लगाया कि ये मामला कहाँ का है, कैसे क्या हो रहा है। तो फिर पता चला कि ये सब पूरा गेम इंडिया का है। जी हाँ, 11 जनवरी को उनकी पुलिस को शिकायत सौंपी। 10 महीने की लंबी जांच के बाद बता दूं, सराबा नगर पुलिस ने मिजोरम के देव कुमार, सुनीता चमंगिंग दांगा, हरियाणा के मोहम्मद आसिमली के मोहम्मद अलाउद्दीन के खिलाफ मामला दर्ज किया। जी हाँ साथियों, ये 6 लोग जो वेबसाइट पे बैठ के NRI बन के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करके मोटा पैसा ऐंठते थे। हो सकता है इनकी अब कुटाई होगी, इंट्रोगेशन होगा, तो 100% ये कुटाई में और भी हाँ करेंगे कि हाँ हमने वहां से उसको ठगा NRI। आपको पता है मैंने भी वीडियो बनाए कि विदेश से आपके पास किसी का कुरियर आता है, मैसेज आता है कि पहले फ्रेंड बन जाते हैं, फिर आपको गिफ्ट भेज रहे हैं, फिर आपके पास कस्टम विभाग से कॉल आता है कि आप 20,000 दे दो, 10,000 दे दो, 15,000। आपके पास भी आए होंगे ऐसे कॉल, मेरे साथी के एक दो के पास भी ऐसे कॉल आए थे। जबकि सच्चाई कुछ नहीं होती है, वो वहीं अपनी ऐसी तैसी करवाते हैं, इंडिया में कहीं ना कहीं कोने में बैठ के NRI बने होते हैं, मोबाइल में, लैपटॉप में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हो, आपके साथ ऐसा कोई सामना हो, तो भाई 100% मान के चलिए कि इतने आप लकी नहीं हो कि एक NRI चला के आपको कॉल करता है कि मैं आपसे शादी कर लूंगी या कर लूंगा, मैं आपको गिफ्ट भेज रहा हूँ। तो इन चीजें बचें, ये एक सपने की तरह भूल के उसको ब्लॉक कर दे तो आप फायदे में रहोगे। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।